130 grams of silica react with a 12 gram of carbon, silicon carbide is produced. This is an important ceramic material. Silicon dioxide plus 3 moles of carbon when reacted, then silicon carbide plus carbon monoxide gas is produced. Calculate which reactant is limiting and how much silicon carbide is produced. इस रिएक्शन के अंदर वो ये कह रहा है कि 30 ग्राम सिलिका मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड 12 ग्राम हमारे पास कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और उसके नतीजे में सिलिकॉन कार्बाइड भी बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है। इसमें वो एक तो ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि इन दो रिएक्टेंट में से जो 30 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और 3 ग्राम हमारे पास जो कार्बन है, इनके 12 ग्राम हमारे पास जो कार्बन है, इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से 30 ग्राम्स जो है सिलिका और 12 ग्राम कार्बन में से कौन सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो दूसरा एक्सिस में होगा, वो उसकी जो अमाउंट है वो बच जाएगी अनरिएक्टेड फॉर्म में। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्शन मालूम करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स मालूम करने के लिए हम इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट्स मालूम करेंगे। इन दोनों रिएक्टेंट में से जो हमें प्रोडक्ट की कम अमाउंट प्रोवाइड करेगा वो लिमिटिंग हमारे पास होगा। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो डेटा में हमारे पास है, 30 ग्राम हमारे पास सिलिका हमारे पास है, 12 ग्राम कार्बन है और सिलिकॉन कार्बाइड हमने मालूम करना है। इसी के साथ साथ हम इन तीनों के मोलर मास भी मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमने मास से 30 ग्राम मास से सिलिकॉन कार्बाइड का मास मालूम करना है, मास टू मास मालूम करना है, और हमने 3 आपके पास जो मोल ऑफ कार्बन की जो अमाउंट है जो कि 12 ग्राम है, 12 ग्राम से भी हमने सिलिकॉन कार्बाइड की मास मालूम करनी है कि सिलिकॉन कार्बाइड हमारे पास कितना बन रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे डेटा आपके पास कि इस डेटा के अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास इस डेटा में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें एक तो आपके पास जो इसमें है वो हमारे पास है मास, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गिवन मास है 30 ग्राम और गिवन मास ऑफ कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है। मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड भी मालूम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करना है इसमें। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस में जो चीज़ें दी हुई थी। फिर हमने क्योंकि मास मालूम करना है इसलिए हमें इनका मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो 36 होगा। 36 क्यों होगा, किस वजह से होगा? वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है वो रिएक्शन में 3 मोल इस्तेमाल हो रहा है, तो 1 मोल का तो 12 आपके पास है एटॉमिक मास यूनिट है, तो 3 का ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है मास होगा वो 36 हमारे पास होगा। और मोलर मास ऑफ सिलिकॉन आपके पास डाइऑक्साइड जो कि 60 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड 40 होगा, क्योंकि सिलिकॉन का मास हमारे पास जो मौजूद होता है वो हमारे पास है 28 और कार्बन का 12 है, 28 प्लस 12 आपके पास 40 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, दो ऑक्सीजन है और आपके पास 28 है, तो टोटल 60 हमारे पास हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो ये मासिस हमारे पास हैं, यानी कि 30 ग्राम जो हमारे पास सिलिका है और 12 ग्राम जो कार्बन है, इसको हम चेंज कर देंगे। इनके ज़रिए से हम सिलिकॉन कार्बाइड्स का मास मालूम करेंगे, मीन्स हम इसी के ज़रिए से इनको हम मास टू मास रेशो का जो फार्मूला है उसके ज़रिए से हम इनको चेंज कर देंगे प्रोडक्ट्स के आपके पास अमाउंट में। और उनमें से जो कम अमाउंट देगा इन दोनों में से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से और कार्बन में से जो कम अमाउंट प्रोवाइड करेगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही सिलिकॉन कार्बाइड की असल अमाउंट भी होगी हमारे पास, असल अमाउंट भी हमारे पास हुई होगी। तो इस हवाले से देखें तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है वो कुछ आपके पास इस तरीके से हमारे पास है। और इसमें मास ऑफ यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम सिलिका जो बनेगा वो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाउन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अननाउन। गिवन मास कितना दिया हुआ था, 30। मोलर मास आपके पास किसका, गिवन जिसका मास है 30 ग्राम किसका था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सिलिका का था, उसी का मोलर मास 60 आपके पास है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अननोन सिलिकॉन कार्बाइड का जो मास था अननोन वो 40 हमारे पास है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारे पास जवाब आता है 20 ग्राम। फिर इसी तरीके से अगर हम मालूम करते हैं मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम कार्बन, तो गिवन मास हमारे पास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नोन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अननोन,
गिवन मास जो कार्बन का हमारे पास मौजूद है वो 12 ग्राम है, जबकि मोलर मास जो हमारे पास है वो क्योंकि 3 मोल का है, 3 मोल का, 1 मोल का 12 है, तो 3 मोल का आपके पास 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वही आपके पास जो अननोन आपके पास है 40, जो उस केस में था, जो इस केस में है 40 आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 13.33 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। 13.33 ग्राम आपके पास है और आपके पास यहाँ पर 20 ग्राम है, तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर रहा है, किस में से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बाइड में से, वही हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड्स की आपके पास जो है अमाउंट होगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 ग्राम प्रोवाइड कर रहा है, जबकि कार्बन हमारे पास 13.33 ग्राम प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कार्बन जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास होगा, और कार्बन से ही जो अमाउंट बन रही है वो सिलिकॉन कार्बाइड की ही अमाउंट हमारे पास होगी, 20 ग्राम नहीं बनेगी आपके पास, क्योंकि वो हमारे पास एक्सेस में मौजूद है आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन हमारे पास लिमिटिंग आपके पास, इसलिए जो कार्बन से अमाउंट बनेगी वही हमारे पास इसकी अमाउंट आपके पास होगी।